हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी सासू माँ की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो वो खुद बनाएंगी। और ये देखो, यहाँ पे ना सरसों का साग है, और इस साग को उन्होंने पहले बॉईल करने के लिए रखा था। बॉईल करने के लिए एक घंटे डेढ़ घंटे आप उसको बॉईल कर लो अच्छे से, एक सीटी आने से। फिर उसको धीमे धीमे पकाना है आपको। और फिर इसको अब शाम के समय हम इसको बना रहे हैं। फिर इसको अभी हमने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है, और इसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाल के इसको हमने ब्लेंड किया है। अब देखते हैं आगे मम्मी क्या कर रही है। अब यहाँ पे मम्मी प्याज लहसुन और मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाएंगी। इसको हल्का हल्का दरदरा इसको पीसना है। देखिए, देखिए ये लोहे की कढ़ाई में इसका तड़का तैयार किया जाएगा। इसमें पड़ेगा सरसों का तेल। तेल गर्म हो रहा है और इधर साग चढ़ा हुआ है, उसको हम चलाते रहेंगे। डालेंगे अपने बेसिक मसाले तेल गरम होने के बाद। अब हम इसमें डाले हैं जीरा, जीरा थोड़ा सा हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे हींग, लोहे की कढ़ाई में ही इसे बनाना है। ये पंजाबी स्टाइल सरसों का साग होता है। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। डेढ़ किलो साग है। अब इसमें आप कुछ टमाटर अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा आपको टमाटर पसंद है कि खट्टा है कि कैसा है, आप डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें 10 है। अब इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। और इधर देखिए ये साग हो रहा है, और इधर मसाले की भी तैयारी हो रही है। अच्छे से भुनने देंगे। सर्दियों का ही खाना है ये सरसों का साग, और मक्के की रोटी भी बनेगी आज। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छा ब्राउन होने तक पकाएंगे हम। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, और हाँ, साग में भी आपको नमक डालना है पकाते वक्त। इसे अच्छे से भूनेंगे हम। अब इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच
एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें गरम मसाले का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें एक सीक्रेट भी डलने वाला है। इसको हमें तेल छोड़ने तक पकना है। देखिए हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है, हमें इसको अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो अगर ये साग आपके बच्चे भी नहीं खाते होंगे तो वो भी खा लेंगे। अभी बाल के इसमें डाल सकते हैं ये पापा की आवाज़ थी। हम इसे मिक्स करेंगे, फिर हम इसे साग के साथ मिक्स करेंगे सारे मिक्सचर को। अब इसमें हम पानी बढ़ाएंगे थोड़ा। इसी कढ़ाई में हम पानी को अच्छे से उबाल लेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ में। आप देख सकते हैं इसमें पनीर ऐड हो चुका है। पनीर ऐड हो चुका है, हमने हल्का पानी भी बढ़ाया हुआ है। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे। बस इसमें और तो कुछ नहीं है ना, पकने के बाद बस ये आपका रेडी है। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे ऊपर से, फिर ये रेडी है साग खाने के लिए। मक्खन के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, फिर से मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ।